हेलो एवरीवन, वेल कम टू इंजीनियर्स वॉल्ट। मेरा नाम है हरपाल सिंह। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2013 के एग्जाम के बारे में। प्रीलिम्स का सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। पार्ट वन में हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज पार्ट टू के अंदर हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इस पेपर में सिविल इंजीनियरिंग के काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। फॉर ए ब्रिज हैविंग स्पान मोर देन 150 मीटर द रिकमेंडेड टाइप ऑफ ब्रिज इज। देखिए, क्वेश्चन में हमसे ब्रिज के बारे में पूछा गया है जिसका स्पान 150 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो दिए गए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ब्रिज रिकमेंडेड है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। रिवेटेड प्लेट गर्डर ब्रिज, वेल्डेड प्लेट गर्डर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज या फिर ट्रस गर्डर ब्रिज। देखिए, अगर 150 मीटर से ज़्यादा का स्पान होता है तो जो हम ब्रिज यूज करते हैं वो होता है सस्पेंशन ब्रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, सस्पेंशन ब्रिज। देखिए, अगर ऑप्शंस के अंदर सस्पेंशन ब्रिज ना देकर हमें केबल स्टे ब्रिज दिया हो तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 100 mm वाइड एंड 200 mm डीप। इफ द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स ऑफ 20 kN देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द सेक्शन इज। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है एक बीम है जो कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, जिसके अंदर हमें उसकी विड्थ दी गई है बी, दिया गया 100 mm, और हमें डेप्थ दी गई है 200 mm, और क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि शेयर फोर्स वी इज इक्वल टू 20 kN हमें दिया गया है, और क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि उसके अंदर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस उस सेक्शन के अंदर कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो होता है 3/2 यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के बीम्स के लिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, जो एवरेज शियर स्ट्रेस होता है उसको हम लिख सकते हैं वी डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमें शियर फोर्स दिया गया है 20 kN क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, इसको हम न्यूटन के अंदर चेंज कर लेंगे, और जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू डेप्थ यानी कि 100 × 200 कर देंगे तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम सारी वैल्यूज न्यूटन और mm के अंदर जब पुट करेंगे तो हमारे पास टो मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 न्यूटन पर mm, यानी कि जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन्स रेशियो 1/m इज। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमसे रिलेशन पूछा गया है ई के एंड पॉइजन्स रेशियो 1/m के अंदर। देखिए, पॉइजन्स रेशियो को नॉर्मली हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन तीनों के अंदर हमसे रिलेशन पूछा गया है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम पहले देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सा रिलेशन होता है। अगर हमें ई और के अंदर रिलेशन पूछा जाए तो वो होता है ई इज इक्वल टू 3K1 − 2μ, और ई और जी के अंदर रिलेशन पूछा जाए तो वो होता है ई इज इक्वल टू 2G1 + μ। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। तो अगर हम म्यू की जगह 1/m पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 3K1 − 2/m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पोर्शंस ऑफ सिंपली स्पॉटेड बीम ओवर विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज एक्टिंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल कंसिस्ट ऑफ। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि एक सिंपली स्पॉटेड बीम है और उसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उस पर लग रहा है, तो हमें बताना है कि उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो किस तरह का होगा, उसकी शेप क्या होगी। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इंक्लाइंड लाइन होगी, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल्स होंगे, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल्स होंगे या फिर पैराबोलिक लाइन्स होगी। तो देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है कि सिंपली स्पॉटेड बीम है और उसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, यानी कि हमें ये कंडीशन दी गई है, ये सिंपली स्पॉटेड बीम है और उसके ऊपर क्या है, यूडीएल लग रहा है। तो अगर उसका हम शेयर फोर्स डायग्राम देखेंगे तो वो क्या होगा, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरह से लीनियर होगा, और अगर हम उसका मोमेंट डायग्राम देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे, तो वो इस तरह से पैराबोलिक शेप का होगा, यानी कि जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा इस डायग्राम में जितने भी स्टैंडर्ड लोडिंग बीम्स हमें दिए गए हैं उनके शेयर फोर्स और उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के बारे में हमें, उनकी शेप के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ डी अबाउट एन एक्सिस एक्स पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द एंड्स इज गिवन एज। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है और हमें रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी विड्थ बी है, उसकी डेप्थ डी है, और हमें बोला गया है कि एक एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, और जो एक्सिस है वो दोनों एंड्स के पैरेलल हैं।
तो सिंपली हमसे आई एक्सएस की वैल्यू पूछी गई है, और हमें पता है रेक्टेंगल के लिए जो आई एक्स एक्स होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है बी डी क्यू बाई 12, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। आई एक्स एक्स की जगह अगर हमें क्वेश्चन के अंदर आई वाई वाई पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी बी क्यूब डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैरी ओवर फैक्टर इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज फिक्स्ड इज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा एक प्रिज्मेटिक मेंबर के लिए जिसका फार एंड फिक्स है। तो पहले हम देखते हैं कि कैरी ओवर फैक्टर्स जो होते हैं डिफरेंट मेंबर्स के लिए क्या क्या होते हैं। देखिए इस तरह से अगर बीम पे हम एम मोमेंट लगाते हैं तो इस एम मोमेंट की वजह से उसके फार एंड के ऊपर अगर एम ए मोमेंट कैरी ओवर होता है, जो एम ए डिवाइडेड बाई एम का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं कैरी ओवर फैक्टर। देखिए इस एंड पे हम मोमेंट लगा रहे हैं, अगर फार एंड फिक्स्ड होता है तो कैरी ओवर फैक्टर का जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इस एंड पे मोमेंट लगाते हैं अगर फार एंड जो हिंज होता है तो कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू होती है 0। अगर फार एंड अगर गाइडर रोलर होता है तो कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू होती है -1। फार एंड फिक्स्ड हो लेकिन जो ये स्पान दिया है उसके बीच में कहीं पे इंटरनल हिंज दिया हो तो कैरी ओवर फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होता है ए डिवाइडेड बाय बी। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इस बीम के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर अ सेम डेप्थ इज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ऑप्शंस में से कौन सा जो आई सेक्शन है वो सबसे हैवी है फॉर द सेम डेप्थ। ऑप्शन हमें दिए गए हैं ISMB, ISLB, ISHB या फिर ISWB। तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म क्या होती है हम देखते हैं। देखिए जो ISMB होता है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, ISLB होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, ISHB होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम, और जो ISWB होता है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लॉट W इज गिवन एज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा किसी भी एक फिक्स्ड बीम के अंदर जिसके अंदर सेंट्रल पॉइंट पे क्या है W यूनिट का एक पॉइंट लोड लग रहा है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो देखते हैं पहले। देखिए इस तरह से कोई भी एक फिक्स्ड बीम है जिसके सेंटर पे W पॉइंट लोड लग रहा हो तो उसके अंदर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो सेंटर पॉइंट पे आएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी WL³/192EI, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर हमें UDL दिया हो कि UDL लग रहा है किसी भी फिक्स्ड बीम के अंदर तो इसके लिए अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा WL⁴/384EI, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एक्सियल फोर्स इन मेंबर्स ऑफ ए स्टैटिकली डिटरमिनेट प्लेन फ्रेम इज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि स्टैटिकली डिटरमिनेट प्लेन फ्रेम के अंदर कितनी इक्वेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी एक्सियल फोर्स को निकालने के लिए। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 2, 3, 4 या फिर 6, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी किसी भी स्टैटिकली डिटरमिनेट प्लेन फ्रेम के अंदर हमें एक्सियल फोर्स अगर मेंबर्स के अंदर निकालना हो। और यही क्वेश्चन के अंदर हमसे पिन जॉइंटेड ट्रस के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 के अंदर जो दिया गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए स्टैंडर्ड 45° फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू थ्रोट थिकनेस इज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक स्टैंडर्ड फिलेट दिया गया है और उसके अंदर हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा साइज यानी कि एस और थ्रोट थिकनेस यानी कि टी, यानी कि एस डिवाइडेड बाई टी का रेशियो क्या होगा स्टैंडर्ड फिलेट के अंदर। ये क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 1:1, 1:1.414, 1:1.441 या फिर 2:1। देखिए इस तरह से अगर ये दोनों एंगल 45° की हों तो इसको हम स्टैंडर्ड फिलेट बोलते हैं जिसके अंदर ये एंगल 90° का एंगल होगा, और जो थ्रोट थिकनेस होती है वो ये जो थिकनेस होती है इसको हम थ्रोट थिकनेस बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू के इंटू एस। देखिए इन दोनों फ्यूजन फेसेस के अंदर यहाँ पे जो एंगल 90° का एंगल बन रहा है अगर ये एंगल चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये के की वैल्यू भी चेंज होती है। तो ये जो के की सारी वैल्यूज हैं अलग अलग एंगल्स के लिए तो ये हमें ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे 90° स्टैंडर्ड फिलेट के बारे में पूछा गया है, उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी 0.7, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 0.7। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है एस और टी का रेशियो बताइए, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/2
0.7, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 1, जो कि ऑप्शन 3 के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ कंसेंट्रेटेड लोड W एट इट्स फ्री एंड। इफ द विड्थ ऑफ द बीम इज डबल द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड एज कम्पेयर टू द अर्लियर केस विल बी। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि कैंटिलीवर बीम है जिसके अंदर उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगल है और उसके ऊपर क्या है कंसेंट्रेटेड लोड W उसके फ्री एंड पे एक्ट कर रहा है। तो अब क्या होता है कि उसकी जो विड्थ अगर हम डबल कर दें तो जो उसके फ्री एंड पे जो उसका डिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। जब उसकी जो विड्थ है उसको दुगना कर दिया गया है तो अब उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो वो हमसे पूछा गया है। वो 16 गुना हो जाएगा, वो टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, या फिर वो पहले की तुलना में उसका आधा हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस तरह से हमें एक कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछा गया है जिसके फ्री एंड पे इस तरह से एक जो कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा इस पॉइंट पे ऊपर, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI। तो अब हमें देखना है कि सेकंड केस के अंदर उसकी विड्थ को दुगना किया गया है, यानी कि I को हम क्या लिख सकते हैं, I को हम लिख सकते हैं BD क्यूब बाई 12। अगर हम B की वैल्यू को अगर हम दुगना कर दें तो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में आधा हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए फिक्स्ड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ओवर द होल स्पान टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर अकर्स, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पान एंड दिस डिस्टेंस इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक फिक्स्ड बीम हमें दिया गया है जिसके अंदर क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है, और अब उसमें क्या होता है कि पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर अकर्स होते हैं, और वो क्या होते हैं कि सेंटर से क्या है इक्विडिस्टेंस पे होते हैं। तो अभी हमें बताना है कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वहाँ पे बन रहे हैं उनकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए इस तरह से एक फिक्स्ड बीम है जिसके ऊपर इस तरह से W यूनिट का UDL लग रहा है। अगर उसका हम SFT बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा, ये उसका SFT होगा। अगर हम इसका BMD बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो वो इस तरह से बनेगा। देखिए पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होते हैं, देखिए इस तरह से जब बेंडिंग मोमेंट हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव होता है। जब ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम अपना साइन चेंज करता है जिस पॉइंट पे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और ये जो पॉइंट्स हैं इसका जो सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर से ये क्या है इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ये दोनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और जो इनकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो होगी L डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो ये सेंटर से दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएंगे और उनकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो सेम होगी। तो जो ऑप्शन 3 दिया गया है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्टैटिकली डिटरमिनेड प्लेन फ्रेम द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ बार एंड जॉइंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि स्टैटिकली डिटरमिनेड एक प्लेन फ्रेम है और उसके अंदर हमें बताना है कि जो मेंबर्स हैं और जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर रिलेशनशिप क्या होगा। देखिए इनके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो होता है m इज इक्वल टू 2j-3, और हमें क्वेश्चन के अंदर m की जगह क्या है n दिया गया है नंबर ऑफ बार्स, तो इसके अंदर जो ऑप्शन 2 दिया गया है n इज इक्वल टू 2j-3, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बार विच इज नॉट फ्री टू एक्सपेंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज गिवन एज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक बार है उसको फिक्स कर दिया गया है ताकि वो एक्सपेंड ना करें, तो हमें बताना है कि जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए अगर ये बार फिक्स नहीं होती तो उसके अंदर टी टेम्परेचर बढ़ाने के अंदर उसकी जो लेंथ के अंदर इंक्रीज होगा वो होगा एल अल्फा टी। तो इससे हम स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि स्ट्रेन हो जाएगा अल्फा टी। और स्ट्रेन से हम डायरेक्टली स्ट्रेस निकाल सकते हैं, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेन को अगर हम यंग मॉडुलस ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है। तो जो स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा अल्फा टी इंटू ई, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वाटर टू सीमेंट रेशियो शुड बी बिटवीन। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि W डिवाइडेड बाय C, W C का हमें रेशियो बताना है फॉर द मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, तो इसका रेशियो क्या है, किस रेंज के बीच में रहता है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 0.4 टू 0.5, 0.5 टू 0.55, 0.55 टू 0.6, या फिर 0.6 से 0.65। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन 1 है,
जो वाटर टू सीमेंट रेशियो होता है उसकी रेंज होती है 0.4 से 0.5, यानी कि मिनिमम रहता है 0.4, जो कि और किसी ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लेकिनेस इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लीस्ट डायमेंशन थिकनेस लेस देन ऑफ देयर मीन डायमेंशन। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपली फ्लेकिनेस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1/5, 2/5, 3/5 या फिर 4/5। तो पहले हम देखते हैं कि फ्लेकिनेस इंडेक्स होता क्या है। देखिए, जो फ्लेकिनेस इंडेक्स होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज बाय वेट ऑफ द पार्टिकल। तो ये परसेंटेज बाय वेट होता है उन पार्टिकल्स का जिसके अंदर जो उनकी लीस्ट डायमेंशन होती है या उसको थिकनेस बोलें तो वो होती है लेस देन 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन। अगर यही हमसे पूछा जाए एलोंगेशन इंडेक्स के लिए तो वो भी होता है परसेंटेज बाय द वेट ऑफ दोज पार्टिकल, वो उन पार्टिकल्स का जिसके अंदर जिनकी लार्जेस्ट डायमेंशन होती है, जिसको लेंथ बोलें, तो वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेकिनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे लीस्ट डायमेंशन आता है लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट डायमेंशन आता है। ये लेस देन होता है 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन और ये ग्रेटर देन होता है 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बारे में हमें ध्यान रखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है फ्लेकिनेस इंडेक्स के बारे में तो वो क्या होगा 0.6 टाइम्स या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3/5 यानी कि 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट शुड बी बिटवीन। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमसे फाइनेस मॉडुलस के बारे में पूछा गया है तो पहले हम देखते हैं कि फाइन एग्रीगेट के लिए क्या होता है फाइनेस मॉडुलस। देखिए, अगर हमारे पास फाइन सैंड होती है तो उसके अंदर फाइनेस मॉडुलस FM जो होता है वो होता है 2.2 से 2.6 की रेंज के बीच में। मीडियम सैंड होती है उसके लिए होता है 2.6 से 2.9 के बीच में। कोर्स सैंड होती है उसके लिए होता है 2.9 से 3.2 के बीच में। तो ये जो तीनों वैल्यू है ये हमें ध्यान रखनी है। बहुत से एग्जाम में डायरेक्टली हमें पूछा जाता है कि मीडियम सैंड के बारे में बताओ और फाइन सैंड के बारे में, FM के बारे में बताओ, तो ये तीनों वैल्यू हमें ध्यान होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन साउंडनेस टेस्ट बाय ली चैटलियर अपरेटस द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंटर्स शुड नॉट बी मोर देन। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमसे ली चैटलियर अपरेटस के बारे में पूछा गया है कि जब हम उससे हम सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट करते हैं तो उसके जो पॉइंटर्स होते हैं उनके अंदर जो डिस्टेंस होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1 to 2 mm, 3 to 5 mm, 5 to 10 mm या फिर 10 to 15 mm। तो सबसे पहले लीच एटलियर के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जो एपरेटस होता है उसके अंदर जो रिंग होती है जिसका ये बना होता है वो होती है ब्रास मोल्डेड, जिसकी थिकनेस होती है 0.5 mm। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 30 mm और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 30 mm और इसको कवर किया जाता है दो ग्लास प्लेट से। देखिए, इसके जो सेंटर से जो इसके एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 165 mm। तो ये सारी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। देखिए, इस कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसके अंदर जो मोल्ड को फिल किया जाता है सीमेंट के अंदर उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना रखा जाता है। 78% ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की जो वैल्यू होती है उसका 78% हम वाटर को हम उसके अंदर ऐड करते हैं। देखिए, वाटर को ऐड करने के बाद इस पूरे मोल्ड को हम क्या है 24 घंटे के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर पे हम वाटर के अंदर उसको रख देते हैं। देखिए, 24 घंटे के बाद क्या होता है, जो इन दोनों पॉइंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम मेज़र कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको दोबारा से उठाकर वाटर के अंदर उसको हम डाल देते हैं और हम वाटर का टेम्परेचर इस तरह से इंक्रीज़ करते हैं कि वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर जाए। कितने टाइम के अंदर, 30 to 35 मिनट्स के अंदर वो, तो उसको हम 3 घंटे तक उसको बॉयल करते हैं और उसको बाद में ठंडा होने के बाद फिर से हम इन पॉइंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो जो पहले जो डिस्टेंस मेज़र करी थी और जो अब डिस्टेंस मेज़र करी है उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो वो डिफरेंस जो होता है वो 10 mm से कम आना चाहिए। अगर वो 10 mm से कम आता है जो तो वो सीमेंट जो होगा वो साउंड होगा। तो इसका मतलब ये है जो ऑप्शन 3 दिया गया है तो वो करेक्ट हो जाएगा, 5 to 10 mm के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a beam fails in bond, then its bond strength can be increased most economically by। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कोई भी बीम अगर फेल हो रहा है किसके कारण, बॉन्डिंग के कारण, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए मोस्ट इकोनॉमिकली
कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द बीम, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर्स, यूजिंग थिकर बार्स बट लेस इन नंबर, प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरिस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन मॉडरेटली एक्सपोज्ड रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट विद नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट मॉडरेटली एक्सपोज्ड रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट के अंदर, तो हमें बताना है कि नॉर्मल वेट ऑफ एग्रीगेट कितना होगा। तो हम देखते हैं कि कोड IS कोड क्या बोलता है। देखिए यहाँ पे एक्सपोजर कंडीशन दे रखी है, अगर माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, वेरी सीवियर हो या फिर एक्सट्रीम कंडीशन हो, तो उसके लिए क्या हम करेंगे प्लेन कंक्रीट के अंदर और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के अंदर, तो ये क्या क्या वैल्यू होती है, तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए इन डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम काफ़ी बार बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको रट ही लेना है इसको, तो कि डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम क्या यूज़ करते हैं। RCC के लिए, प्लेन कंक्रीट के लिए भी दिया गया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो RCC के लिए, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन होती है तो उसके लिए हम M20 यूज़ करते हैं, मॉडरेट के लिए 5 इंक्रीज़ कर देते हैं, M25 हो जाएगा, सीवियर के लिए फिर से 5 इंक्रीज़ करेंगे तो M30 हो जाएगा, वेरी सीवियर कंडीशन के लिए 35 हो जाएगा, और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए M40 ग्रेड के कंक्रीट को हम यूज़ करते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी है। देखिए अभी पीछे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए। देखिए अगर हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट अगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए मिनिमम कितना होता है, 0.4 वाटर टू सीमेंट रेशियो होता है, और अगर हम माइल्ड कंडीशन की बात करें उसके लिए कितना होगा, 0.55, यानी कि ये 0.4 से 0.55 की रेंज के बीच में होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सेम अगर हम प्लेन कंक्रीट की बात करें तो वो 0.4 से 0.6 की रेंज के बीच में वेरी करता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि नॉर्मल वेट ऑफ एग्रीगेट कितना यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट यूनिट दी गई है हमें kg/m³, और हमें कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई वो दी गई है मॉडरेटली एक्सपोजर कंडीशन, यानी कि जो 300 kg/m³ है वो वैल्यू हम यूज़ करेंगे मॉडरेटली एक्सपोजर कंडीशन के लिए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर लाइटली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब बीम कॉलम एक्सेट्रा द स्लम शुड बी। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि लाइटली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए वो किसी में हो सकता है, स्लैब में हो सकता है, बीम में हो सकता है, कॉलम के लिए में भी हो सकता है, तो उसके अंदर स्लम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 15 से 25 mm, 25 से 75 mm, 50 से 100 mm, या फिर 75 to 100 mm। तो पहले देखते हैं कि IS कोड क्या बोलता है। देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, इस कोड के अंदर लाइटली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब्स बीम्स वॉल्स एंड कॉलम। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि इसके अंदर स्लम की वैल्यू कितनी होती है। देखिए इसके लिए हम जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसकी वर्केबिलिटी लो, और उसके अंदर स्लम की वैल्यू होगी वो होगी 25 to 75 mm, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अलावा मीडियम और हाई के लिए जो वैल्यू दी गई है ये भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन ए कॉलम इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि किसी भी कॉलम के अंदर जो हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड करते हैं तो उनका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए। देखिए कॉलम्स के अंदर जो मिनिमम डायमीटर होता है लॉन्गिट्यूडनल बार्स का वो होता है 12 mm, यानी कि 12 mm के नीचे के डायमीटर के बार्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं कॉलम्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए बीम, क्रिटिकल सेक्शन के बारे में पूछा गया है बीम्स के अंदर, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, द फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन टेंशन इज नॉट बीइंग यूटिलाइज, द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन इज नॉट बीइंग यूटिलाइज, द स्ट्रेस डेवलप इन स्टील एंड कंक्रीट विल साइमल्टेनियसली बी द सेम एज अज्यूम्ड इन डिजाइन, द कंक्रीट विल रीच इट्स मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस अर्लियर देन स्टील। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होगा जहाँ पे क्या होगा कि जो डिज़ाइन के अंदर जो हमने स्ट्रेसेस अज्यूम किए हैं अगर वो स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं किसी भी स्टील और कंक्रीट के अंदर तो वो जो सेक्शन होगा वो होगा क्रिटिकल सेक्शन। तो इसका मतलब है ऑप्शन जो 3 है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इन ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस इज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे आरसी बीम के बारे में पूछा गया है कि उसके अंदर शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पैराबोलिक ओवर एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, पैराबोलिक ओवर न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस, रेक्टेंगुलर ओवर न्यूट्रल एक्सिस एंड पैराबोलिक बिलो न्यूट्रल एक्सिस, या फिर रेक्टेंगुलर ओवर एंड बिलो न्यूट्रल एक्सिस। देखते हैं हम डायग्राम से कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है शियर स्ट्रेस का। देखिए इस तरह से रेक्टेंगुलर बीम के बारे में हमसे पूछा गया है, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होगा वहाँ पे कंप्रेशन होगा, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैराबोलिक होगा, और जैसे ही हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आते हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, यानी कि यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल जो फॉर्म हो जाएगा, और ये जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक जाएगा, ये जो लेवल है रिइंफोर्समेंट का, जहाँ तक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं उस लेवल तक ये जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू, पैराबोलिक ओवर न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इज, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टीरअप्स की मिनिमम स्पेसिंग कितनी होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन टू, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो स्पेसिंग होती है वो मिनिमम स्पेसिंग होती है स्टीरअप्स के लिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ यूजुअल नॉट टू प्रोवाइड थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब्स इन बिल्डिंग्स लेस देन, देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि यूजुअली हम जो थिकनेस प्रोवाइड करते हैं फ्लोर स्लैब्स की बिल्डिंग्स के अंदर, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन वन, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर की कम थिकनेस की जो फ्लोर स्लैब्स हैं बिल्डिंग्स के अंदर हम वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डबली रिइंफोर्स्ड बीम इज यूज व्हेन, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि डबली रिइंफोर्स्ड बीम हम कभी यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, लार्ज मोमेंट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द बीम, बीम एक्सपीरियंसेस टेंशन इन टॉप एज वेल एज बॉटम फाइबर, डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द बीम हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर द रीजन ऑफ अपीयरेंस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फोर है जो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो बीम की डेप्थ और उसकी जो अगर विड्थ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वहाँ पे हमें क्या है कि डबली रिइंफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी बीम, टी बीम के न्यूट्रल एक्सिस के बारे में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑलवेज पासिस थ्रू द फ्लेंज एरिया, ऑलवेज पासिस थ्रू द रिब एरिया, इज ऑलवेज एट द जंक्शन ऑफ द रिब एंड फ्लेंज एरिया, कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन ऑफ द बीम। देखिए इस तरह से टी बीम होता है, तो हमसे पूछा गया कि इस तरह से कोई न्यूट्रल एक्सिस होगी तो वो कहाँ से पास होती है, तो जो न्यूट्रल एक्सिस होती है ये कहीं से भी पास हो सकती है, कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन ऑफ द बीम। तो ये डिपेंड करता है इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर ऊपर एरिया ज़्यादा होगा तो न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ होगी, नीचे अगर एरिया ज़्यादा होगा तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे की ओर होगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द हील स्लैब ऑफ अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे रिटेनिंग वॉल के बारे में पूछा गया है कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है उसके अंदर जो हील स्लैब है वहाँ पे मेन रिइंफोर्समेंट होती है वो कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, टॉप ऑफ द स्लैब, बॉटम ऑफ द स्लैब, सेंटर ऑफ द स्लैब या फिर साइड्स ऑफ द स्लैब। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम से, देखिए इस तरह से कोई कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पे हमें क्या है कि बैकफिल दिया गया है, तो इस बैकफिल की तरफ से इस डायरेक्शन में इस पर क्या है फोर्स लगेगा, तो ये जो कैंटिलीवर जो वॉल है वो इस तरह से यहाँ पे बेंड होने की कोशिश करेगी। अगर इस तरह से बेंड होगी तो इसके इस तरफ इनर साइड पे क्या है टेंशन डेवलप होगा, तो हमें पता है जिस साइड के अंदर टेंशन डेवलप होता है वहाँ पे कॉन्क्रीट के अंदर हम क्या है रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेम। तो स्टेम के अंदर हम जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इनर साइड के अंदर, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछा जाए टो के अंदर, देखिए टो के अंदर क्या होगा, अगर ये वॉल इस तरह से अगर मूव करेगी तो यहाँ पे क्या होगा नीचे की तरफ टेंशन डेवलप होगा, और जो हील साइड के अंदर क्या होगा ऊपर की ओर टेंशन डेवलप होगा। तो इसका मतलब ये है कि टो के अंदर हम बॉटम जो बॉटम साइड है वहाँ पे मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, हील के अंदर हम टॉप साइड के अंदर जो रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, स्टेम के अंदर हम इनर साइड के अंदर हम मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों बातें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें ओनली हील के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ द स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर वन स्टोरीड बिल्डिंग इन टाउन
द मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर एट फेरोल पॉइंट फॉर डायरेक्ट सप्लाई शुड बी। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि वन स्टोरी बिल्डिंग के अंदर फेरोल पॉइंट पे जो हम वाटर सप्लाई करते हैं, म्यूनसिपल वाटर सप्लाई की जाती है, तो उसके अंदर मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर कितना होना चाहिए फेरोल पॉइंट पे वन स्टोरी बिल्डिंग के लिए। ऑप्शन हमें दिए हैं 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर या फिर 10 मीटर। तो इसका आंसर है 7 मीटर। तो जो वन स्टोरी बिल्डिंग के लिए 7 मीटर होता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए टू स्टोरी बिल्डिंग के लिए तो उसके लिए होता है 12 मीटर, 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए 17 मीटर। तो ये सारी वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन फॉर। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स जो पाइप्स हैं उनको डिजाइन किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को डिजाइन किया जाता है वो डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ग्रोइंग टाउन्स एंड सिटीज हैविंग वास्ट स्कोप फॉर एक्सपेंशन द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन मोस्टली एप्लीकेबल इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ग्रोइंग टाउन्स के अंदर जहाँ पे क्या है कि एक्सपेंशन का बहुत स्कोप हो, यानी कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो खूब एक्सपेंड हो सकती है, तो वहाँ पे अगर पॉपुलेशन का अगर हमें फोरकास्ट करना हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ग्राफिकल मेथड या फिर लॉजिस्टिक मेथड। देखिए टाउन्स के लिए हमें दो बातें मेन ध्यान रखनी है, अगर कोई भी न्यू टाउन हो तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है पॉपुलेशन के एक्सपेंशन का, तो वहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होती है, तो अगर इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा हो तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं, वो होता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर यही हमसे पूछा जाए ओल्ड टाउन्स के अंदर वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एक फिक्स रेट से इंक्रीज हो रही हो, तो वहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो हम करते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू रैपिड सैंड फिल्टर इज यूजली। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में पूछा गया है कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन का जो स्टैंडर्ड रेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। और देखिए यहाँ पे हमने पैरामीटर्स लिख रखे हैं, यहाँ पे हमने स्लो सैंड फिल्टर और यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर दिखा रखा है, तो इनके अंदर जो डिफरेंस होता है ये हमें पता होने चाहिए। देखिए जो एरिया होता है स्लो सैंड फिल्टर का एरिया होता है 100 टू 200 स्क्वायर मीटर के बीच में, वहीं रैपिड सैंड फिल्टर के एक यूनिट का जो एरिया होता है वो होता है 10 टू 80 स्क्वायर मीटर। स्लो सैंड फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो होता है 100 टू 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर का, और जो रैपिड सैंड फिल्टर का होता है वो होता है 3000 टू 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, यानी कि ऑलमोस्ट 30 टाइम्स होता है स्लो सैंड फिल्टर का। स्लो सैंड फिल्टर का 30 गुना ज़्यादा होता है फिल्ट्रेशन रेट किसमें, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें ध्यान रखनी है। जो सैंड लेयर की जो डेप्थ होती है स्लो सैंड फिल्टर के अंदर ज़्यादा होती है, 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच होती है। रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर ये वैल्यू कम होती है, यानी कि 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर पूछा जाए CU D60/D10 का रेशियो, तो वो स्लो सैंड फिल्टर के अंदर 5 होता है, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर ये वेरी करता है 1.2 से 1.8 के बीच में। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर हमसे जो स्टैंडर्ड रेट के बारे में पूछा गया है, तो रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर जो रेट होती है वो होती है 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या है जो यूनिट दी गई है वो दी गई है लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस आवर को मिनट के अंदर जब चेंज करेंगे तो क्या होगा कि इसको क्या है हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 100, और 3000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, यानी कि 50 टू 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट होगा। यानी कि 50 और 100 के बीच में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जो ऑप्शन 2 है 80 टू 100 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स यूज इन स्लो सैंड फिल्टर इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है स्लो सैंड फिल्टर के बारे में, जो उसके अंदर हम सैंड पार्टिकल्स यूज करते हैं उनका इफेक्टिव साइज क्या होता है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 0.25 से 0.35 mm, 0.35 से 0.60 mm, 0.60 mm से 1 mm या फिर 1 mm से 1.8 mm। तो देखते हैं, देखिए अभी हमने ये सारे जो पैरामीटर्स और ये स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर हमने जो डिफरेंस देखा था, तो उसके अंदर ये इफेक्टिव साइज़ हमसे पूछा गया है सैंड पार्टिकल का, तो वो अगर हम रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो उसमें रहता है 0.35 से
0.55 यानी कि 0.35 से बड़ा अगर पार्टिकल होगा तो वो रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर आएगा। तो ऑप्शन टू है तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि हमें स्लो सैंड फिल्टर के बारे में पूछा गया है और जो बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन जो वन दिया गया है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, यानी कि ऑप्शन वन को हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिटेंशन पीरियड यूजली अडॉप्ट इन ग्रिट चैम्बर्स इज, देखिए ग्रिट चैम्बर के अंदर हमसे पूछा गया है कि डिटेंशन पीरियड हम रखते हैं यूजुअली उसकी वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं 30 सेकंड्स, 60 सेकंड्स, 60 मिनट्स या फिर 120 मिनट्स। देखिए जो डिटेंशन पीरियड रखा जाता है ग्रिट चैम्बर के लिए उसको यूजुअली हम रखते हैं 40 सेकंड से लेकर 60 सेकंड्स, यानी कि जो ऑप्शन टू है वो करेक्ट हो जाएगा। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट यूजुअली हम डिटेंशन पीरियड रखते हैं ग्रिट चैम्बर के अंदर, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम इन एक्सटेंडेड एरेशन एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम इज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम कितना होता है एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम के अंदर जब हम एक्सटेंडेड एरेशन को हम यूज़ करते हैं तब। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 4 to 5 hours, 4 to 6 hours, 8 to 10 hours या फिर 12 to 24 hours। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। देखिए इसके अंदर हम तीन तरह के प्रोसेस यूज करते हैं, एक होता है कम्प्लीटली मिक्स, दूसरा होता है कन्वेंशनल जिसको हम प्लग फ्लो भी बोलते हैं, तीसरा होता है एक्सटेंडेड एरेशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम हम रखते हैं तो पहले दो के अंदर होता है सेम होता है 4 to 5 hours, लेकिन जो एक्सटेंडेड एरेशन होता है 12 to 24 hours होगा, यानी कि पहले के दो जो मेथड्स हैं उनसे ज़्यादा होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर हमसे स्लज एज के बारे में पूछा जाए तो उसकी वैल्यू होती है 5 to 8, एक्सटेंडेड एरेशन के लिए 10 to 15 days, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो एफिशिएंसी होती है इन सब में वो एक्सटेंडेड एरेशन वाले प्रोसेस की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, 98% तक होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर हमसे फूड अपॉन मास का अगर रेशियो पूछ लिया जाए तो वो सबसे कम रखा जाता है एक्सटेंडेड एरेशन के अंदर, जिसकी वैल्यू होती है 0.1 से 0.18 के बीच में, जो वेरी करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है एक्सटेंडेड एरेशन के लिए वो होता है 12 to 24 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन इन मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे इज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कितनी होती है और उसके अंदर हमें रिसर्कुलेशन को इंक्लूड करना है, और हमें जो यूनिट के अंदर जो हमें आंसर चाहिए वो है मीटर क्यूब पर स्क्वायर मीटर पर डे के अंदर। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1 to 4, 10 to 40, 40 to 100 या फिर 100 to 200। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से जो ट्रिकलिंग फिल्टर मोस्टली हम यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इन सब के अंदर जो डिफरेंस है वो पहले हम देख लेते हैं। देखिए जो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसके अंदर जो हाइड्रोलिक लोडिंग की रेट रखी जाती है वो रखते हैं हम 1 to 4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, और जो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसके अंदर हम रखते हैं 10 to 40, सुपर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर रखा जाता है 40 to 200। इन दोनों के जो बीच का रहता है 4 to 10 उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, और जो 200 से ऊपर होता है वो होता है रफिंग जो ट्रिकलिंग फिल्टर है उसको हम यूज़ करते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि कौन से ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर कितनी होती है। डेप्थ की बात करें तो स्टैंडर्ड के अंदर डेप्थ होती है वो 1.8 से 3 मीटर होती है, हाई रेट के अंदर थोड़ी डेप्थ की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो सुपर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है उसके अंदर जो डेप्थ है वो 12 मीटर तक हो सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर रीसर्कुलेशन नहीं होता है, बाकी दो के अंदर रीसर्कुलेशन होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के बारे में पूछा गया है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर, तो उसकी वैल्यू होती है 10 टू 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, तो ऑप्शन जो टू है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज डेली पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ BOD5 इज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि BOD5 का जो एवरेज डेली पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 15 grams, 30 grams, 45 grams या फिर 60 grams। तो देखिए जो एवरेज डेली पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन होता है सस्पेंडेड सॉलिड का तो वो होता है 90 ग्राम, और जो बीओडी का होता है BOD5 का वो होता है 45 grams, तो ये दोनों वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में हमसे BOD5 का पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेइंग ऑफ सीवर्स इज यूजली डन विद द हेल्प ऑफ, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीवर्स की जो लेइंग की जाती है सीवर्स को जो बिछाया जाता है तो वो यूजली किसकी हेल्प से किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं अ थियोडोलाइट, अ कंपास, साइट रेल्स एंड बर्निंग रोड्स या फिर
अब प्लेन टेबल, तो देखते हैं हम पहले कि सीवर्स की जो लेइंग करते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए इस तरह से कोई ग्राउंड सरफेस है तो जो सीवर्स होंगे वो तो एक फिक्स ग्रेडियंट पे हम यहाँ पे उनकी लेइंग करेंगे। तो जो जब इस तरह से हम सीवर्स की लेइंग करते हैं तो एक वर्टिकल जो इस तरह से हम रोड यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं बोनिंग रोड, और इस तरह से जो हम रेल्स यूज़ करते हैं इनको हम बोलते हैं साइड रेल्स। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन 3 में हमें दिया गया है साइड रेल्स एंड बोनिंग रोड, तो इन दोनों की मदद से हम सीवर्स की लेइंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पेमेंट डिज़ाइन द रिकमेंडेड सेफ लैटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि पेवमेंट के अंदर हम जब डिज़ाइन करते हैं तो लैटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रखा जाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए जो लैटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखा जाता है उसकी वैल्यू होती है 0.15, यानी कि ऑप्शन 2 है जो करेक्ट हो जाएगा। अब लैटरल के जगह हमसे लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.35 से 0.40 के बीच में वेरी करती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इज ऑलवेज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे स्टॉपिंग SST के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं लेस देन ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, इक्वल टू ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, मोर देन ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, या फिर इक्वल टू लैग डिस्टेंस। देखिए जो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस होती है ये हमेशा छोटी होती है ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस से, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट एज पर IRC इन प्लेन्स इज, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि IRC के अकॉर्डिंग जो प्लेन्स के अंदर हम रूलिंग ग्रेडियंट की जो वैल्यू हो कितनी रखते हैं। ऑप्शंस में दिए गए हैं 1:10, 1:15, 1:25 या फिर 1:30। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए ये जो वैल्यूज हैं IRC ने दे रखी हैं, प्लेन एंड रोलिंग को एक क्लास में रखा है, माउंटेन्स को दूसरी क्लास में और स्टीप टेरेन को तीसरी में। तो इसके अंदर रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। रूलिंग ग्रेडियंट की बात करें अगर हम प्लेन और रोलिंग जो टेरेन के लिए, तो इसकी वैल्यू होती है 1:30। वही माउंटेनियस के लिए रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू होती है 1:20। स्टीप टेरेन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1:16.7। तो ये जो वैल्यू है हमें ध्यान रखनी है। टिंग ग्रेडियंट के लिए जो अलग अलग वैल्यू है ये भी हमें ध्यान रखना है। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो होती है तीनों इन टेरेन के लिए ये भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। देखिए इसके अलावा कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि मिनिमम ग्रेडियंट कितनी रखी जाती है, तो उसकी वैल्यू भी हमें ध्यान रखनी है। देखिए यूजुअली जो है 1:500 जो वैल्यू है ये हम मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज के लिए, ये सफिशिएंट होती है। अगर जो पेवमेंट है वहाँ पे सही से पेवमेंट अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो इसकी वैल्यू क्या है, हम 1:200 भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में जो रूलिंग ग्रेडियंट पूछा गया था प्लेन एरिया के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1:30 या फिर 3.33%। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड शुड नॉट बी, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि हिल रोड के अंदर जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड किया जाता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन समय दिए गए हैं 8%, 9%, 10% या फिर 11%। तो देखते हैं IRC ने क्या रिकमेंड किया है। देखिए जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की जो वैल्यू होती है EMAX, तो अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन हो तो उसके लिए जो वैल्यू होती है 7%। हिल रोड्स के लिए EMAX की वैल्यू होती है 10%, और अर्बन रोड स्ट्रेचेज जिसके अंदर फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शंस हों तो उसके लिए इसकी वैल्यू होती है EMAX की 4%। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था हिल रोड के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम इज नोन एज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि रिएक्शन टाइम के अंदर जो व्हीकल जो डिस्टेंस को ट्रैवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देखे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस या फिर साइट डिस्टेंस, तो देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूला तो एक बेसिक फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट सबको याद रहता है। देखिए जो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस होती है वो जो समेशन होता है लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का। ये जो लैग डिस्टेंस होती है वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इन रिएक्शन टाइम, यानी कि जो रिएक्शन टाइम के अंदर व्हीकल ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस, और ब्रेक को अप्लाई करने के बाद जो व्हीकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था रिएक्शन टाइम के अंदर जो डिस्टेंस जो व्हीकल जो ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस, तो ऑप्शन 2 है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शंस में दिए गए हैं ट्रैफिक वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक कैपेसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पॉट स्पीड इज
द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल एट द स्पेसिफाइड सेक्शन 85th परसेंटाइल स्पीड इज मोर देन 93rd परसेंटाइल स्पीड है। देखिए जो 85th परसेंटाइल स्पीड जो होती है वो लेस देन होती है 93 जो परसेंटाइल स्पीड होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्पॉट स्पीड इज द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल एट द स्पेसिफाइड सेक्शन। देखिए जो स्पॉट स्पीड होती है वो एवरेज स्पीड नहीं होती है, वो स्पॉट के अंदर उस मोमेंट पे जो स्पीड होती है व्हीकल की वो होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ट्रैफिक वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक कैपेसिटी। जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है वो ट्रैफिक कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होता है, ये उससे कम होता है, यानी कि जो ऑप्शन टू दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ट्रैफिक कैपेसिटी होती है वो ऑलवेज क्या है, बड़ी होती है ट्रैफिक वॉल्यूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकलमैन बीम रिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिज़ाइन ऑफ। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बंकलमैन बीम रिफ्लेक्शन मेथड है उसको हम किसके डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, रिजिड ओवरले ऑन रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन रिजिड पेमेंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इसी तरह से पूछा जाता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जो बंकलमैन बीम रिफ्लेक्शन मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल के ऊपर फ्लेक्सिबल हो, यानी कि फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर अगर हमें डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बंकलमैन बीम रिफ्लेक्शन मेथड। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन टू जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटुमिनस सरफेसिंग डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्परवियस पेमेंट इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो बिटुमिनस की सरफेसिंग की जाती है किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्परवियस पेमेंट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन में देखें, प्राइम कोट, सील कोट, टैक कोट या फिर वियर कोट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टाइप्स के कोट होते हैं। देखिए जो प्राइम कोट होता है उसको अप्लाई किया जाता है एग्जिस्टिंग अनट्रीटेड परवियस लेयर के ऊपर, जैसे कि कोई भी वाटर बॉन्ड मैकेडम की कोई भी लेयर हो, तो इसको अप्लाई करने से प्राइम कोट से क्या होगा कि वहाँ पे क्या है एडहेजन जो होगा किसके अंदर, बेस और बिटुमिनस सरफेस के अंदर, वो इम्प्रूव हो जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए टैक कोट जो अप्लाई किया जाता है वो अप्लाई किया जाता है एग्जिस्टिंग ट्रीटेड इम्परवियस लेयर के ऊपर, जैसे कि कोई भी बिटुमिनस की या फिर कोई भी सीमेंट कंक्रीट का कोई बेस बना हो वहाँ पे, और इससे टैक कोट से क्या होता है कि वहाँ पे जो बॉन्ड है वो इम्प्रूव हो जाएगा एग्जिस्टिंग इम्परवियस लेयर और वियरिंग सरफेस के बीच में। और जो सील कोट है उसको प्रोवाइड किया जाता है एज अ फाइनल कोट, और इसको प्रोवाइड किया जाता है टॉप सरफेस के ऊपर, ताकि वहाँ पे जो मॉइस्चर्स जो एंटर कर रहे हैं वॉइड्स के थ्रू टॉप से, उसको प्रिवेंट किया जा सके, और साथ ही साथ उसकी जो वियरिंग रेजिस्टेंस है और रोड की उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। तो इन तीनों कोट्स के बारे में हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्परवियस, तो वहाँ पे हम करेंगे टैक कोट, यानी कि जो ऑप्शन थ्री है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं तो ये हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजायर लाइन्स आर प्लॉटेड इन। देखिए क्वेश्चन में डिजायर लाइन्स के बारे में पूछा गया है कि उनको कहाँ प्लॉट किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ के अंदर, स्पीड स्टडीज़ के अंदर, एक्सीडेंट स्टडीज़ के अंदर, या फिर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ के अंदर। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए डिजायर लाइंस जो प्लॉट की जाती है वो की जाती है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ के अंदर, तो ऑप्शन फोर है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बारे में कुछ और बातें हम देख लेते हैं। तो जो डिजायर लाइन की थिकनेस होगी वो रिप्रेजेंट करती है ट्रैफिक वॉल्यूम को, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट एंगल इन एंगल पार्किंग कंसीडरिंग द रोड ऑब्स्ट्रक्शन एंड द कन्वीनियंस ऑफ द ड्राइवर इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एंगल पार्किंग के अंदर हमें बताना है कि बेस्ट एंगल कौन सा होगा, और हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि रोड की जो ऑब्स्ट्रक्शन को ध्यान रखना है और हमें कन्वीनियंस ऑफ द ड्राइवर ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टाइप्स की जो कितनी टाइप्स की एंगल पार्किंग होती है। 90 डिग्री एंगल पार्किंग, 60 डिग्री एंगल पार्किंग, 45 डिग्री एंगल पार्किंग, 30 डिग्री एंगल पार्किंग या फिर 0 डिग्री जिसको हम पैरेलल पार्किंग बोलते हैं। देखिए पैरेलल पार्किंग की अगर हम बात करें तो रोड के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा पैरेलल पार्किंग की वजह से तो वो मिनिमम होगा, वहीं अगर हम 90 डिग्री एंगल पार्किंग की बात करें तो रोड के ऊपर जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर हम बेस्ट एंगल की बात करें तो वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ड्राइवर का कन्वीनियंस भी देखना है और हमें रोड का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो दोनों को ध्यान रखना है। तो उसके लिए जो बेस्ट एंगल होगा वो होगा ऑप्शन जो टू है 45 डिग्री, तो वो बेस्ट एंगल होगा। तो इस रोड साइड पार्किंग के डायग्राम के साथ हम इस वीडियो को भी यहीं पे स्टॉप करते हैं।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंजीनियर्स वर्ल्ड के चैनल पे हम इस तरह के वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोई भी क्वेरीज हो, आपकी कोई भी सजेशन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की PDFs हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।